आज जो जो मॉडिफिकेशन किया आप लोगों को तो मैंने दिखाया मैंने कैसे रिमूव किया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रील्स शूट करने के लिए, तो इसी कारण के लिए मैंने आज थोड़ा सा बाइक को मॉडिफिकेशन किया, मतलब पीछे का जो मडगर्ड रहता है वो रिमूव कर दिया। एंड ग्रैपटेल मैंने घर पे ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है, नॉट बहुत ज़्यादा टाइट है। एंड मेरे पास जो एलन की है वो है मडगर्ड का एंड जो ग्रैपटेल का, लेकिन मैं ग्रैपटेल खोल नहीं पाया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हैंडगार्ड एंड लुकिंग ग्लास को रिमूव करेंगे, तो इसी कारण के लिए मैं जा रहा हूँ एंड उधर से रील शूट में चला जाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय विश्वकर्मा, सेफ रखना। एक बार कैमरा का एंगल देख लेता हूँ। अभी गिर गया था भाई, मैं गोप्रो देखते देखते थोड़ी देर चल पे। सो गाइस देखा अभी गिर जाता तो मैं गोप्रो का एंगल ठीक कर रहा था, तो उसी चक्कर में भगवान सेफ रखना। तो आप लोग जब भी घर से निकलो ना, एक बार भगवान का नाम लिखे उसके बाद ही निकलो। तो फिलहाल मैं पहले देखता हूँ इधर पे एक गैराज है, इधर पे वो जो दादा है वो है या फिर नहीं है, अगर होगा तो उसे से ही खुला लेंगे हैंडगट। सो गाइस देख सकते हो पीछे से लुक्स कैसा लग रहा है, अगर शॉर्ट टेल्टेड होता और भी अच्छा लगता। एंड पीछे का जो टायर है वो मेरा 140 सेगमेंट का टायर है एंड बाइक मैंने वॉश नहीं किया, इसी कारण के लिए थोड़ा सा गंदा लग रहा है। एंड ये जो ग्रैपटेल है इसको भी उतार देंगे आज, एंड हैंडगार्ड एंड लुकिंग ग्लास इसको भी उतार देंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इसको रिमूव करते हैं। सो गाइस फिलहाल तो हैंडगार्ड एंड जो लुकिंग ग्लास ग्रैपटेल है सब कुछ खोल दिया, तो फिलहाल आप लोगों को जब मैं रील शूट करूँगा तब आप लोगों को दिखा दूँगा कि क्या क्या चीज़ मैंने रिमूव किया। एंड वो सब पार्ट्स जो था मैंने उस गैरेज पे छोड़ के आया, क्योंकि बाद में जब आऊँगा घर पे तब लगा लूँगा। तो ये सिर्फ मैंने किया रील्स के लिए, बाइक का लुक्स के लिए और कुछ भी नहीं। अगर बाइक आज वॉश रहता तो और भी अच्छा होता, लेकिन फ़िलहाल क्या ही करूँ, टाइम नहीं है वॉश करने का। एंड मेरे घर पे पाइप जो है वो नहीं है। एंड आज दो तीन दिन बाद आज हम लोगों के इधर धूप आया, मतलब तब दोपहर में आया, मॉर्निंग में धूप ही नहीं था, तो इसी कारण के लिए सोचा कि अभी जाके शूट करके आते हैं। एंड बहुत दिन हो गया मैंने रील शूट नहीं किया, एंड आज रनिंग शूट भी लेंगे बहुत सारा, शायद से धूप तो रहेगा ही। आज का जो रील शूट है वो शोरअप करके देगा मुझे, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा धूप है। शायद से मैं ब्लैक मोटिवेशन करने का कुछ दिन बाद ही मैंने हैंडगार्ड लगा दिया था बाइक में, तो हैंडगार्ड के साथ बहुत सारा रील्स मैंने शूट किया। एंड ऐसा नेकेड बाइक रख के मैंने शूट कभी भी नहीं किया, तो सोचा आज नेकेड बाइक रख के शूट करते हैं। छोड़ो, अब शायद से पहुंच गया है उधर पे, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि ये जो हैंडगार्ड है, आप लोगों को पता है कि मैं हैंडगार्ड कैसे सेट करता हूँ इधर पे पाइप लगा के, क्योंकि नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हैंडगार्ड, तो वो जो पाइप जो है वो खोल नहीं रहा था, इतना ज़्यादा जैम हो गया था, तो इसी कारण के लिए लेट हो गया थोड़ा सा। एंड सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा धूप आ रहा है। तो हम लोगों के इधर तो दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है कुछ दिन बाद ही,
भाई साहब कितना ज्यादा धूप है, एक बार देखो। बहुत ज्यादा सामने धूप है भाई, ऐसे रील्स कैसे शूट करूंगा, इतना ज्यादा धूप होगा ना, बाप रे। रोड थोड़ा सा जैम भी है, जैम रहेगा तो वही दिक्कत है कि रनिंग शॉट, आप लोगों को पता है रिक्स में काम नहीं करते हम। थोड़ा ज़्यादा ही आज ट्रैफिक लग रहा है इस रोड में मुझे, मैं जब भी आता हूँ रील शूट करने के लिए तब भी होता है ट्रैफिक, एंड जब मैं घूमने के लिए आता हूँ तब एकदम ही फका रहता है। मैं ये चीज़ ख्याल किया, जो मोटिवेशन मैं आज किया वो आप लोग कर सकते हो लुक्स के लिए, आप लोगों को 10-15 रुपये खर्चा होगा, क्योंकि जो गैरेज का जो लेबर कॉस्ट रहता है वही देना पड़ेगा सिर्फ आप लोग, क्योंकि और भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो इसी कारण के लिए पीछे में देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बिना लुकिंग ग्लास में, मुझे लुकिंग ग्लास लगवाना पड़ेगा बहुत जल्द, क्योंकि वो आदत पड़ गया है ना लुकिंग ग्लास में देखने का। तो फिलहाल तो फ्लाईओवर के सामने आ चुका हूँ मैं, सौरभ सामने ही है फ्लाईओवर के नीचे, मतलब उस साइड पे। देखो वो इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है, मेरे कैमरा पे कितना स्पेस फका है वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कल वीडियो शूट किया था तो इसी कारण के लिए यार वो कॉपी नहीं किया मैं आज, तो क्योंकि आज प्लान नहीं था शूट करने का रील्स, थोड़ा बोला तो इसी कारण के लिए निकल गए शूट करने के लिए। फिलहाल तो फ्लाईओवर में हूँ, अभी फ्लाईओवर में शूट नहीं करूँगा, फ्लाईओवर से का मतलब सामने रोड पे शूट करूँगा। उधर पे वो इधर देखो, शायद से थोड़ा मुझे कॉल कर रहा है। इधर पे वो इधर देखो एक बार कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। इधर पे धूप है, इधर पे क्लाउडी, तो सामने एक पेट्रोल पंप है, उधर पे थोड़ा रुका हुआ है। ये दोनों बाहर क्या रेस चल रहा है, ओरे भाई साहब क्या धूल है। सौरभ ने तो बोला मुझे इधर पे ही आने के लिए, इधर पे ही शायद से होगा, इधर पे रुकता हूँ साइड पे। सो गाइस, आज जो मोटिवेशन किया आप लोगों को तो मैंने दिखाया, मैंने कैसे रिमूव किया पीछे का जो मार्डगार्ड है वो रिमूव कर दिया, एंड सामने का जो हैंड गार्ड एंड लुकिंग ग्लास था वो भी सब रिमूव कर दिया। तो इधर से कैसा लग रहा है बाइक अभी फिलहाल देखो, पीछे से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, सामने से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, फुल्ली नेकेड अभी लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो था वो हैंड गार्ड बैक मार्डगार्ड सब लगा हुआ था, तो उसका लुक्स अलग है, इसका लुक्स अलग है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, इसी कारण के लिए मैं हैंडगार्ड लगाता हूँ। तो फिलहाल सामने से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, तो सामने से देखो कैसा लग रहा है लुक्स, अभी फ़िलहाल सामने से आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है, तो इधर से भी लुक्स अभी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग ये सब मोटिवेशन करना चाहते हो तो घर पर ही कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास एल एंड की है, या फिर गैरेज पर जाके भी कर सकते हो, इसके लिए पैसा तो 10-20 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल रील शूट करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। सो गाइस, मैंने ग्लव्स भी पहन लिया रील शूट के लिए,
यार मैंने लुकिंग ग्लास भी आप लोगों को दिखाया पहले ही कि रिमूव कर दिया, सिर्फ रील्स के लिए मैंने ये सब किया। अगर आप लोग करना चाहते हो तो घर पे कर सकते हो। लुक्स के लिए तो बहुत ही कमाल लगता है ये लुक्स बाइक का, ठीक है। सामने का सनसेट व्यू आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं गोप्रो में कैसा कैप्चर हो रहा है, लेकिन मैं जो नेचुरल मतलब रियल में देख रहा हूँ बहुत ही अलग ही लग रहा है, अलग लेवल का ही। पता नहीं DSLR में जब रील शूट करूँगा तब कैसा आएगा। बा क्या बात है, देखो अभी किधर से जाना पड़ रहा है। देख ले तो एक बार फुटेज दिखाओ। तो गाइस हम लोगों का तो रील शूट मतलब मेरा जो रनिंग शूट था वो तो कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों को दिखा नहीं पाया रनिंग शॉट का वीडियो, एंड रुक के भी मैं आज कुछ शॉट नहीं लिया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। ये जो हैंडगार्ड ये सब रिमूव मतलब ये सब मॉडिफिकेशन करने पे ही मेरा जो टाइम था वो चला गया था, तो इसी कारण के लिए शूट नहीं कर पाया। तो फिलहाल रनिंग शॉट तो हो गया, तो एक दो दिन बाद आके जो नॉर्मल जो शॉट रहता है वो ले लूँगा, फिर कम्प्लीट हो जाएगा ये वीडियो। रोड अगर जैम रहता है ना शूट करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसी कारण के लिए ही रोड खाली होने का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग शूट करते हैं। इधर पे तो कुछ रील शूट कर लिया, रनिंग शॉट भी ले लिया, एंड एक दो जो नॉर्मल मतलब बाइक रख के जो शॉट होता है वो भी ले लिया। अभी फिलहाल मेरा बाइक का जो रील्स था वो ख़त्म हो चुका है। एंड लुक्स ज़रूर बताना, ये तो रील्स का वीडियो नहीं था, मॉडिफिकेशन का वीडियो था, तो ये मॉडिफिकेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। पीछे से और एक बार दिखा देता हूँ लुक्स कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार देख लो। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।